से आप सब लोग भलीभांति करते हैं और उसका सबसे बड़ा असर क्योंकि बड़े कम रिसोर्स में ये माइक्रोबिस्ट। देखिए हालिया जो हालात बने हुए हैं हमारे जम्मू कश्मीर के राजनीतिक हालात, उसकी वजह से कारोबार पे जो असर पड़ा, सबसे ज़्यादा असर हुआ वो माइक्रो इंडस्ट्री पे पड़ा। और बैंक जो हैं, माइक्रो इंडस्ट्री बैंक से जुड़ी हुई है, बैंक ट्रांजैक्शन नहीं होने की वजह से जी एनपीए घोषित कर रहा है अकाउंट्स को, ना करे बैंक। सरकार हदायत दे बैंकों को कोऑपरेट करे माइक्रो इंडस्ट्री के साथ, 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो माफ़ किया जाए। कोई कारोबार नहीं हुआ पिछले 3-4 महीने से और आगे जल्दी होने की संभावना कम ही लगती है। जम्मू का सारा कारोबार जो है, सारा कारोबार वो कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है, वो यहाँ से माल लेते हैं, उनका माल तैयार है, माल नहीं जा सकता, वहाँ से पेमेंट नहीं आ रही यहाँ, तो ट्रांजैक्शन कैसे होगी, कैसे पॉसिबल है ये? कारोबार ठप पड़ा हुआ और ट्रांजैक्शन बैंक कहता है आपकी ट्रांजैक्शन नहीं है तो ये एनपीए। इंटरेस्ट समय पर दे रहे हैं हमारे लोग, लोन की किस्त समय पर दे रहे हैं, कम से कम 1 साल का समय सरकार को देना चाहिए रीपेमेंट। हमारी ये डिमांड है कि सरकार बैंकों को हदायत करे जबरन कार्रवाई करने के खिलाफ, जबरन कार्रवाई ना करे, माइक्रो इंडस्ट्री को तालाबंदी ना करे, थोड़ा समय दे इनको, कम से कम 1 साल का समय दे। ये लोग इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, लोन की किस्त भी दे रहे हैं, रीपेमेंट के लिए अगर बैंक ने करना तो 1 साल का समय दे, 3 महीने का इंटरेस्ट माफ़ी कर दे।